नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मानव श्रृंखला बनाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला। झारखंड में बोकारो विधानसभा क्षेत्र के भाजपा एवं मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव के नेतृत्व में चास प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 2 घंटे तक मानव श्रृंखला बनाया और हाथ में सरकार विरोधी नारा लिखा। तख्ती और 100 मीटर लंबा बैनर लेकर सरकार विरोधी नारा लगाया। बोकारो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा का संगठन के दृष्टिकोण से कुल 9 मंडल का भाजपा के अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संयुक्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष भरत ने कहा कि झारखंड वासियों को सपना दिखाकर हेमंत के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज यूपीए सरकार झारखंड नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों, शोषित, पीड़ित, दलित सभी को छलने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे अथवा बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, पारा शिक्षकों और आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। लगभग 2 वर्ष के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। बोकारो से संगीता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।